डॉक्टर किरोड़ीलाल की गिरफ्तारी की खबर बाहर पहुंची और ये पहला टेलर है, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार खड़े हैं और सरकार एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दे, ये भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का सीधा प्रमाण है। यही कारण सरकार जानबूझकर भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। मैं इस वक्त चाकसू थाने में हूँ। डॉक्टर किरोड़ीलाल की गिरफ्तारी की खबर जो ही बार पहुंची, सैकड़ों की तादाद में थाना परिसर के अंदर और बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार खड़े हैं। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग है, ये जंग एक दिन की नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का दम्भ भरने वाली है सरकार। राज्यसभा के सांसद 3 दिन तक अशोकनगर थाने के बाहर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने प्रार्थना पत्र के साथ बैठे रहे और सरकार एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दे, ये भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का सीधा प्रमाण है। यही कारण है कि आज 565 वो लोग जो रंगे हाथ गिरफ्तार हुए, सरकार उनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं देकर उन्हें बचाने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग अब असली लड़ाई जारी होगी। कल हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद विधायक राज्यपाल को ज्ञापन देकर जहां एक और गिरफ्तारी का विरोध करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल की, वहीं एफआईआर नहीं करने पर प्रति दर्ज करते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की बात करेंगे। अब ये लड़ाई राजस्थान के हर कोने में पहुंचेगी और सरकार की कलाई खोलेंगे कि सरकार जानबूझकर भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। आज अगर एफआईआर दर्ज होती है, अनुसंधान होता है, तो निश्चित तौर पर जो प्रमाणित तथ्य है वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार का तांडव हुआ। एक